नमस्कार एस्ट्रो इनसाइट्स विद रिचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रिचा शुक्ला। आज बात होगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंजंक्शन की। बहुत लोगों ने कमेंट्स में लिखा है कि मैं राहु और शुक्र की एक युति पर, कंजंक्शन पर वीडियो बनाऊं। सच मानिए ये एक काफी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है, बहुत लीथल कॉम्बिनेशन हो सकता है, कई बार बहुत बड़े अटेनमेंट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो कई बार बहुत बड़े नुकसान का भी ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। ग्रहों के कंजंक्शन या युति पर जब हम बात करते हैं, मैं जब भी बात करती हूं तो मैं हमेशा कहती हूं कि आप लोगों को ग्रहों के कारकत्व तो समझने चाहिए। वो क्या डिस्प्ले करते हैं, वो क्या देना चाहते हैं, और उसके बाद ये समझ लें कि जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या करेंगे। मैंने जब अपने कंजंक्शंस के कई सारे वीडियोस हैं और उसकी पूरी एक लिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर, आप लोग जाएं और कई तरह के कंजंक्शन को समझें, तो उसमें मैं आपको कई बार रंगों के माध्यम से भी मैंने समझाया है कि जैसे कि जब हम पेंटिंग करते हैं, दो रंगों को जोड़ते हैं, मिला देते हैं तो एक नया रंग बन जाता है। इसी तरह ग्रह भी जब कंजंक्ट करते हैं, युति बनाते हैं, तो उनका स्वभाव चेंज हो जाता है। शुक्र और राहु के कंजंक्शन पर आज का वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुक्र जो है, हम सभी को पता है कि प्रेम का ग्रह है, क्योंकि ये काल पुरुष में सातवें स्थान के स्वामी है। सातवां स्थान काम का स्थान है, पति या पत्नी का स्थान है, रिप्रोडक्शन का स्थान है, ठीक है, प्लेजर्स का स्थान है, और हमारा बहुत सीक्रेट और पर्सनल स्पेस है सातवां घर, क्योंकि हम वहां से आपके पति या पत्नी को देखते हैं और हमारा सबसे क्लोज शारीरिक रिश्ता जो है वो अपने पति या पत्नी से ही होता है, तो ये हमारा एक पर्सनल स्पेस भी है। तो शुक्र हमारा पर्सनल स्पेस है, शुक्र लव है, शुक्र रिप्रोडक्शन है, मतलब बच्चे ऑफ स्प्रिंग्स भी जो हम देखते हैं वो भी हम शुक्र से देख सकते हैं। दूसरा पार्टनरशिप है, बिजनेस है, सातवां घर बहुत कुछ है। तो शुक्र का पर बेसिक कारकत्व तो प्रेम का है, और दूसरा जो उनका हाउस है वो काल पुरुष में दूसरा स्थान है, यानी कि परिवार, वाणी और धन, ये तीन मेन दूसरे घर के कारकत्व तो है। तो यानी कि हमारी वाणी या हमारे टैलेंट्स, हमारे संस्कार, हमारा परिवार और वेल्थ, इसीलिए शुक्र को प्रेम और धन से जोड़ते हैं और इसको एक भौतिकतावादी प्लैनेट के रूप में देखा जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने अपना शुक्र के साथ कई ग्रहों के कंजंक्शन पर बताया है, आप लोग वो वीडियोस देखें जिसमें मैंने ये कहा है कि शुक्र जो है बहुत बड़ी आध्यात्मिक साधना भी दे सकते हैं आपको, जब शुक्र उच्च के होते हैं। उच्च का शुक्र साधना के लिए एक अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है। अगर वो बृहस्पति के साथ हो जाए या बृहस्पति से दृष्ट हो जाए, तो फिर आप शादीशुदा जीवन में, मतलब उसका सुख तो भोगते हैं, ये सच है, क्योंकि शुक्र उच्च का होगा तो आपको वो सुख भी देगा, लेकिन फिर उस सुख से विरक्त होकर या उस सुख में कमी आती है और आप एक बिल्कुल साध्वी या एक साधु की तरह आपको जीवन व्यतीत करना पड़ता है। उच्च के शुक्र के ये कारकत्व है, तो केवल और केवल प्रेम, भोग विलास, ऐशो आराम के समान ये तो शुक्र है, लेकिन केवल ये नहीं है, कहीं ना कहीं साधना भी है और जीवनी शक्ति शुक्र के पास है, इसलिए लाइफ सेवर भी है शुक्र। अगर आपकी कुंडली में शुक्र स्ट्रांग है, केंद्र में प्लेस्ड है, शुभ ग्रहों से देखा जा रहा है, तो आप जनरली कह सकते हैं कि आपकी लॉन्जिविटी ठीक है। जी हाँ, शुक्र की स्थिति केंद्र में बहुत अच्छी होती है, और क्योंकि केंद्र आपस में लग्न से कहीं ना कहीं संबंध बनाते हैं, तो आपके लिए ये कारकत्व तो है इसका कि लॉन्जिविटी ठीक है, बस उसको ताकतवर होना चाहिए। अब ये जो ग्रह है जो प्रेम का है और भौतिकतावादी का बेसिक इसका कैरेक्टर है, इसके साथ राहु,
द अल्टीमेट डिजायर, द अल्टीमेट पैशन, द अल्टीमेट गो गेटर प्लैनेट, मतलब हर हाल में वो पाना है जो मैं चाहता हूं। राहु की यही इंस्टिंक्ट है कि मुझे वो हर हाल में चाहिए जो मैं पाना चाहता हूं। राहु आपका जहां बैठा है आप वो अवश्य पाना चाहेंगे, ये भी मैं अपने कई वीडियोस में बता चुकी हूं। सो अब अगर राहु शुक्र के साथ युति कर लेगा तब क्या होगा? ये जितनी भी चीजें शुक्र के कारकत्व तो मैंने गिनाए, ऐशो आराम, सुख, समृद्धि, पैसा, परफ्यूम्स, लग्जरी गाड़ियां, अच्छा जीवन साथी, लव, कई सारे रिलेशनशिप्स, राहु की ये सब पाने की इच्छा होगी कि ये तो मुझे सब कुछ पाना ही पाना है, हर हाल में पाना है। राहु इज डिजायर एंड वीनस इज लस्ट। लस्ट और डिजायर एक साथ मिल रहे हैं तो क्या होगा? सबसे पहला असर होगा कि आप एक मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं, स्वप्न में रहने वाले व्यक्ति होंगे। आपकी बड़ी डिजायर्स होंगी और आप लोग कला के क्षेत्र में, क्योंकि शुक्र कला भी है, चाहे वो आर्ट है, पेंटिंग है, फिल्म है, राइटिंग है, टीवी है, मीडिया है, जो भी है, इनमें आप आगे बढ़ने का मतलब आपके पास एक गुण होगा ही होगा। और अगर आप इन फील्ड से जुड़े हैं तो आपके आगे बढ़ने की संभावना बहुत तीव्र हो जाती है। ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि किस किस घर में क्या होगा, तो जनरल क्या इफेक्ट होंगे वो मैं समझा दूंगी आपको, लेकिन अभी बात हो रही है कि क्या क्या दे सकते हैं। तो ये लस्ट और डिजायर मिलकर क्या क्या करते हैं? पहली बात तो ये कि शुक्र एक प्लेजेंट प्लैनेट है, तो जब राहु इसके साथ होता है तो जनरली मैंने देखा है कि ऐसे लोग काफी प्लीजिंग पर्सनालिटी के धनी होते हैं। प्लीजिंग पर्सनालिटी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। जनरली ऑपोजिट सेक्स को उनकी बॉडी लैंग्वेज ही आकर्षित कर देती है। जी हां, और अगर ऐसे लोग फिल्म से या इस तरह की चीजों से जुड़ जाते हैं तो उनका फैन फॉलोइंग जबरदस्त होती है, क्योंकि राहु एक हिस्टीरिया क्रिएट करता है। शुक्र स्ट्रांग हो, राहु साथ हो, दसवें घर में हो, आप कला की फील्ड में हो, तो फिर आप समझिए आप क्या बन जाएंगे, आपकी फैन फॉलोइंग क्या हो सकती है। अक्सर ज्यादातर फिल्म स्टार्स की कुंडली में राहु की स्थिति बड़ी प्रभावी है, शुक्र के भी साथ लेना देना है। यहां पर मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगी पत्रियां, केवल आपको आज इस कॉम्बिनेशन के गुण और चरित्र बता रही हूं। सो पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी ऑपोजिट सेक्स को आपकी तरफ मतलब धक्का दे सकती है, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हो सकती है। अगर एक्टर नहीं भी है तो भी आपको ऑपोजिट सेक्स जरूर पसंद करेगा। आपके बातचीत करने का तरीका जो है वो एक मतलब मोहने वाला होगा, आप एक बहुत अच्छे ओरेटर भी होंगे, क्योंकि मत भूलिए शुक्र दूसरे घर का वाणी, मैंने कहा तो राहु क्या करेगा, वाणी में ना एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस दे देगा कि मतलब आप लोगों को अपने बातचीत से ही जीत लेंगे। जी आप अक्सर मतलब आपको ये पता है कि आप इस दुनिया में प्रेम करने आए हैं, तो आप काफी एक्सप्लोर करेंगे प्रेम में, आपको विवाह से पहले, विवाह के बाद भी, कभी कभी एक साथी के साथ आप सेटिस्फाइड नहीं फील कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रेम की कोई सीमा नहीं है, प्रेम को एक व्यक्ति से नहीं बांधा जा सकता है। राहु अनकन्वेंशनल प्लैनेट भी है, शुक्र के साथ है तो वो कहेगा प्रेम में ये क्यों है कि केवल आप पत्नी से प्रेम कर सकते हैं, किसी और से नहीं कर सकते। राहु इज अ यू नो एन एक्सप्लोरर, उसको सब चीजें एक्सप्लोर करनी है, वो यहां सब कुछ पाने आया है, तो ये भी एक गुण दे देते हैं कि आप ऑपोजिट सेक्स में या प्रेम को एक्सप्लोर करते हैं। कई बार राहु विदेशी अनकन्वेंशनल ग्रह है तो कई बार आपको विदेशी लोगों से या विजातीय लोगों से प्रेम हो जाता है।
यानी आप अपने फैमिली अपने परिवार से अलग जाकर अलग संप्रदाय में विवाह कर लेते हैं। राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन अगर जैसे कि मैंने कहा कि माना बृहस्पति की राशि में हो जाए और बृहस्पति इसको देख रहा हो, यानी मीन राशि में शुक्र हो साथ में राहु हो और बृहस्पति उसको कन्या राशि में बैठकर देख रहे हो, या कहीं से भी 5 or 9 or 7 कोई भी एस्पेक्ट से देख रहे हो, तो आप एक जबरदस्त डिटैच्ड पर्सन हो सकते हैं। फिर आप साधना का मार्ग अवश्य अपनाएंगे। जी हां, यानी कि कहीं ना कहीं आप लस्ट से होकर गुजरेंगे। पहले आप भोगी इंसान होंगे लेकिन धीरे धीरे आप उससे विरक्त होंगे और साधना की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर शुक्र नीच का है और राहु उसके साथ है तब क्या होगा, तब आप थोड़ी चिंता की बात होती है, क्योंकि फिर आप जो शुक्र के नेगेटिव कार्यकत्व हैं, मतलब लस्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप और गलत व्यापार, छुपे हुए धंधे, या राहु नीच का हो या शुक्र नीच का हो और ये कॉम्बिनेशन हो, तो आप गलत तरीके के व्यापार करते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे, मैं सोशल मीडिया पर उसका नाम नहीं लूंगी। सातवें घर से रिलेटेड यानी कुछ गलत तरीके के व्यापार कर सकते हैं, छुपे हुए धंधे कर सकते हैं और आपकी लस्ट जो है वो बहुत ज्यादा होगी। आप एक लॉयल व्यक्ति नहीं होंगे, कई बार आप व्यापार में बहुत नुकसान भी उठाएंगे। आपकी डीफेम यानी आप समाज में थोड़े से बदनाम भी हो सकते हैं अगर राहु या शुक्र कोई भी इसमें से नीच का होगा। तो इस तरह से राहु और शुक्र की युति अगर साधना दे सकती है, जबरदस्त फेम ग्लैमर दे सकती है, तो वहीं पर आपको बदनाम भी कर सकती है, आपको गलत प्रोफेशन गलत व्यवसाय में डालने वाला बना सकती है, आप रिश्वत ले सकते हैं, कोई भी छुपे हुए कार्य कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों के इंटरेस्ट की बात बता देती हूं शॉर्ट में कि अगर राहु और शुक्र पहले घर में बैठे होंगे, यहां पर राशियों की बात नहीं करूंगी नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होगा, केवल और केवल इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी राशि, मतलब कोई नंबर पड़ा हो आपकी कुंडली में इससे मुझे मतलब नहीं, अगर पहले घर में होगा तो जनरली अगर शुभ प्रभाव में होगा तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आपको देगा और आप हमेशा ही आगे बढ़ने के लिए मतलब प्रेरित होते रहेंगे। मटेरियल सक्सेस को पाने के लिए आप अथक प्रयास करेंगे। अगर ये कॉम्बिनेशन दुष्प्रभाव में होगा, क्रूर ग्रहों के साथ होगा, ये आप लोग अब तक समझ चुके होंगे, मैं एक वीडियो भी बना चुकी हूं कि कौन सा प्लेनेट शुभ होता है कौन सा अशुभ होता है, देखिएगा। सो अगर ये शुभ प्रभाव में होगा तो आप अपने जीवन को सतत आगे बढ़ाने वाले होंगे, आपकी पर्सनैलिटी मैग्निफिसेंट होगी, बहुत बढ़िया होगी और आप हमेशा आगे बढ़ेंगे, मटेरियल सक्सेस पाकर रहेंगे। और अगर दुष्प्रभाव में होगी तो फिर आपकी सेल्फ एस्टीम थोड़ी सी लो होगी, आप कंफ्यूज पर्सनालिटी के होंगे, या आपको सुंदर तो आप तभी भी हो सकते हैं अट्रैक्टिव, लेकिन आपको नहीं पता कि कहां जाना है मुझको। अब राहु और शुक्र अगर दूसरे घर में होगा तो बहुत सारी वेल्थ दे सकता है आपको, अगर शुभ प्रभाव में होगा आपके परिवार, आप एक बहुत वेल्दी परिवार में जन्म ले सकते हैं, आपकी वाणी में एक अजीब सा आकर्षण होगा, मतलब एक एक्सेंट ऐसा होगा जो लगेगा वाओ, एक अलग सा एक्सेंट आपकी वाणी में होगा, ये तब होगा जब शुभ प्रभाव में होगा। अगर अशुभ होगा पीड़ित होगा तो आपको कई बार कहते हैं ना कि पत्नी की तरफ से धन की हानि होती, जैसे तलाक हो और पत्नी बहुत सारा पैसा लेकर चली जाए, धन हानि पत्नी के थ्रू या स्त्री के थ्रू हो जाती है, कई बार व्यापार में भी हानि दे सकते हैं, परिवार में भी आपके कुछ कलह हो सकती है धन को लेकर, पर अगर शुभ प्रभाव में होगा तो ऐसा नहीं होगा। अगर तीसरे घर में ये कंजंक्शन होगा तो आपके भाइयों के कंपैरिजन में बहन ज्यादा हो सकती है और आपकी जो इच्छा होगी मतलब वो मीडिया के क्षेत्र में आगे बढ़ने की अवश्य होगी, सोशल मीडिया वगैरह के प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़ेंगे तो छा जाएंगे।
शर्त यही है कि इनको शुभ राशियों में, शुभ प्रभाव में होना चाहिए। अगर अशुभ प्रभाव में होंगे तो आप बदनाम हो सकते हैं मीडिया पर, क्योंकि मीडिया भी यही नहीं है ना कि सब पॉजिटिव रूप से फेमस हो रहे हैं, कुछ लोग नेगेटिवली फेमस हो रहे हैं, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। और अगर अच्छा होगा तो भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, आप भाई बहनों की मदद करना चाहेंगे, बट अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके भाई बहनों से संबंध भी अच्छे नहीं हो सकते। चौथे घर में, चौथा घर हमारा पीस है, हार्मनी है, होम है, लग्जरी है, कारें हैं, बंगला है, सब चौथा घर है, माँ भी है। अगर ये कॉम्बिनेशन है और शुभ प्रभाव में है तो आपकी माँ बहुत सोफिस्टिकेटेड होंगी और आप अपनी माँ से हमेशा इंस्पायर होंगे। आपकी माँ को मतलब कहते ना कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें, क्लासी चीजें कलेक्ट करने का शौक होगा, आपका घर बहुत डेकोरेटेड होगा, आपकी माँ भी करेंगी और आप भी अपने घर को बहुत डेकोरेटेड रखना पसंद करेंगे। महंगी गाड़ियां, महंगे परफ्यूम्स, अच्छा फर्नीचर, सब कुछ होगा आपके पास। बट अगर ये अशुभ प्रभाव में होगा तब आपके लिए ये सारी चीजें नेगेटिव हो सकती हैं। मतलब माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता है, आप चाहते तो बहुत है लेकिन आपका घर आपके हिसाब का आप बना नहीं पा रहे हैं। आप चाहते तो बहुत महंगी कारें हमेशा चढ़ना, लेकिन आप एक साधारण कार पर चढ़ रहे हैं। और अगर और भी ज्यादा कुछ दुष्प्रभाव में हो तो फिर कई बार कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह भी ये कॉम्बिनेशन दे सकता है। पर ये केवल और केवल जनरल इंडिकेशंस है, आपकी पत्नी को एनालाइज करें तभी समझे इसको। अब अगर ये पांचवें घर में होगा, जैसा कि मैंने कहा कि शुक्र जो है वो रिप्रोडक्शन भी है, बच्चों को जन्म देने में भी बहुत महती भूमिका निभाते हैं, अगर ये कॉम्बिनेशन पांचवें घर में होगा, अच्छा होगा, ताकतवर होगा, पॉजिटिव ग्रहों से युक्त होगा, देखा जा रहा होगा, तो आपकी, आपको बहुत इच्छा होगी कि आपकी संतान ना कोई तो एक ऐसी संतान हो जो कला की फील्ड में आगे जाए, या आपकी कोई एक संतान कला की फील्ड में बहुत नाम कर सकती है, ठीक है। अगर दुष्प्रभाव में होगा तो संतान प्राप्ति में दिक्कत हो सकती है, आपको शुक्र के कुछ उपाय करके संतान प्राप्ति हो सकेगी, ठीक है। पर आप मतलब सरकारी बड़ी पोस्टों पर हो सकते हैं, पोस्ट पर हो सकते हैं, आप विदेश के आयुक्त हो सकते हैं, पॉजिटिव है तो बहुत कुछ दे सकते हैं, आप बहुत क्रिएटिव राइटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हो सकते हैं फिल्म के, इस तरह के प्रभाव देगा। छठे घर में अगर शुक्र और राहु एक साथ हैं और अगर अच्छी स्थिति में है तो मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स ये होंगे कि आपको मतलब अपने वर्क प्लेस पर काफी आपके ऑपोजिट सेक्स से मतलब वो मिलेगा, अट्रैक्शन होगा, बहुत वेटेज मिलेगा और आप लिटिगेशन से रिलेटेड काम कर सकते हैं, आप कॉरपोरेट हाउस में काम कर सकते हैं, आप डॉक्टर भी हो सकते हैं और बहुत सारी चीजें, आप इस तरह के काम, मॉर्गेज वगैरह के काम कर सकते हैं, ठीक है। और पर आपकी व्यापार करने की बहुत इच्छा होगी। यहां पर मैं कहूंगी कि अगर ये कॉम्बिनेशन छठे घर में है तो व्यापार से थोड़ा सा बचना चाहिए, कई बार आपकी ओवर एक्साइटमेंट व्यापार में नुकसान करवा देती है। और अगर ये दुष्प्रभाव में होंगे तो आपको आपके वर्क प्लेस पर आपका ऑपोजिट सेक्स हैरेस कर सकता है, परेशान कर सकता है, कई बार आप किसी गलत क्या बोलते हैं मतलब जाल में फंस सकते हैं। सो बी वेरी वेरी अलर्ट एट योर वर्क प्लेस। जहां पर भी राहु और शुक्र अगर छठे घर में है तो अपने वर्क प्लेस पर ऑपोजिट सेक्स से सावधान रहें, ठीक है। अगर सातवें घर में होगा ये कंजंक्शन, सातवां घर फिर आ गया वही शुक्र का, तो काल पुरुष में अपना स्थान है, राहु है, तो मतलब अगर आपको आपके मन का जीवन साथी मिल जाता है और इनकी स्थिति अच्छी है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव ग्रहों से देखे जा रहे हैं, तो ये मतलब एक कहते हैं ना बहुत जबरदस्त प्रेम से भरी हुई जिंदगी दे सकते हैं और आप अपने पति या पत्नी को, प्रेमी या प्रेमिका को बहुत प्यार करेंगे एंड मतलब आप एक स्टीमी रिलेशनशिप होता है जिसको कहते हैं ना एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। लेकिन अगर ये दुष्प्रभाव में होगा तो उसी रिलेशनशिप में कोई तीसरा होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की एंट्री होगी, कई बार
आप बहुत इंटेलिजेंटली, बहुत चालाकी से अपने अफेयर्स छुपा लेंगे, लेकिन अगर वो खुलेंगे तो मैरिड लाइफ खराब होगी। पर आप बहुत चालाकी से अक्सर ऐसे लोग छुपा लेते हैं और एक विवाह के अलावा दूसरे रिलेशनशिप में भी इंडल्ज कर जाते हैं, अगर दुष्प्रभाव में होगा तब, हर कोई नहीं, ठीक है। अगर ये आठवें घर में होगा तो आप सट्टा, तंत्र, मंत्र, रिश्वत लेना, गलत काम करना, अंडर द टेबल कुछ सीक्रेट सर्विस से जुड़ जाना, इस तरह के काम आप करेंगे, मतलब धन आपका जो है वो किसी छुपे हुए रास्ते से आएगा। ये स्थिति राहु और शुक्र दोनों की इसी तरह सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकते हैं, सीक्रेट रोग भी हो सकते हैं, मतलब जिनको हम कहते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, ये भी हो सकती है अगर शुक्र और राहु आठवें घर में है, तो अपनी सेहत का भी ख्याल करना चाहिए। अगर ये नाइन्थ हाउस में ये कॉम्बिनेशन है तो अक्सर आप लोग अपने धर्म के अलावा और धर्मों में भी रुचि रखते हैं, और कई बार आप अगर शुभ प्रभाव में होगा तो आप अपने धर्म को लेकर काफी रिजिड होंगे, मतलब आप एकदम जैसे कहते हैं ना घुस जाएंगे कि नहीं नहीं मेरा धर्म सबसे अच्छा है, चाहे उसको मतलब एक निष्पक्ष नजर से नहीं देखेंगे। पर जनरली राहु एक अनकन्वेंशनल प्लैनेट है, इसलिए धर्म को लेकर आपकी जो रुचि है वो एक न्यूट्रल होता है, आप हर धर्म को पढ़ते समझते हैं और उसके बाद हो सकता है अपने धर्म से अलग कोई धर्म अपना लें, ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है। आपकी जिंदगी में अगर आपके पिता आपका सहयोग करें तो आपकी उन्नति बहुत अच्छी हो जाती है, यानी पिता का सहयोग वांछित होता है आगे बढ़ने के लिए। दसवें घर में अगर ये कॉम्बिनेशन है, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस है, मान लीजिए अगर ये स्ट्रांग पोजीशंस में है राहु और शुक्र दसवें घर में, तो करियर से रिलेटेड अल्टीमेट सक्सेस पा सकते हैं। अब अगर इस पर बृहस्पति की दृष्टि भी हो जाए, बुध की दृष्टि भी हो जाए, माना चौथे घर से, तो अल्टीमेट सक्सेस इन योर प्रोफेशन, आप बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, आप यहां आए ही सक्सेसफुल होने के लिए हैं। ऐसे लोग अगर कला की फील्ड में हो तो फिर तो अनडाउटेडली आप सक्सेसफुल होंगे, बट अगर दुष्प्रभाव में होगा, कमजोर होगा, तो आप इस फील्ड में हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे, यही बस ग्रह की ताकत का फर्क होगा। इसी में आप मतलब करीना कपूर बन सकते हैं और इसी में आप एक स्ट्रगलिंग एक्टर बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन दोनों का होगा, बस ग्रह की ताकत अलग अलग होगी। अब ग्यारहवें घर में अगर ये कॉम्बिनेशन है, फिर से एक बार अच्छी जगह पर है, कला की फील्ड में, आर्ट, म्यूजिक, इस तरह की फील्ड में पुरस्कार पा सकते हैं, आपकी नेटवर्किंग स्किल्स अच्छी होंगी, आप बहुत धन कमा सकते हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ वाइसेस भी होंगी, मतलब कुछ गलत आदतें भी आपकी होंगी। ग्यारहवें घर में तो हर ग्रह अच्छा है, ये भी अच्छा है। बारहवें घर में एक ट्रिकी हाउस है, अगर ये माना शुक्र यहां पर उच्च का है और राहु है, तो आपके पास जीवन में भोग विलास की चीजों की कमी नहीं होगी, आप उनको भोगने के बाद स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर यहीं पर शुक्र नीच का है या राहु नीच का है, तो आपके जीवन में बड़े नुकसान हो सकते हैं, धन की हानि हो सकती है, विदेश जाकर आप परेशानी में फंस सकते हैं, और कई बार आपका कैरेक्टर काफी डाउटफुल होता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस को हमको अपनी कुंडली के और ग्रहों को विचार में रखकर समझना चाहिए, लेकिन ओवरऑल इस कॉम्बिनेशन के क्या रिजल्ट होंगे ये आज मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। ये थी मेरी एनालिसिस राहु और शुक्र के कंजंक्शन पर। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, अगर पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।